ये जो कब्र आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये जॉन रसेल कॉल्विन की कब्र बनी हुई है। ये जो कब्र है एक अंग्रेज की कब्र है। 1807 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1857 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जब 1857 ईस्वी में युद्ध हुआ था उस युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी डेड बॉडी को वो अंग्रेज अपने देश में नहीं ले जा सके, इसलिए उन्होंने इनको यहीं दफना दिया गया। ये उनकी ही कब्र है फ्रेंड, आप देखिए एक बार इसको। ये जो बैक साइड में देख रहे हैं फ्रेंड, इसे बोलते हैं मोती मस्जिद। इस गेट के अंदर एंट्री नहीं है क्योंकि ये अब क्लोज कर रखा है फ्रेंड। मोती मस्जिद का एक व्यू देखिए। ये प्योर वाइट मार्बल की बनी हुई है फ्रेंड। ये कैनल रखा हुआ है, यानी कि तोप, उस समय का कैनल है फ्रॉम फ्रेंड। ये एक बावली है, अकबरी बावली बोलते हैं फ्रेंड। इसके ऊपर जाल लगाया हुआ है सेफ्टी की दृष्टि से। एक बार इसको भी देखिए। हम आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सामने देख रहे हैं इसे बोलते हैं अकबरी मस्जिद। एक बार इसका व्यू देखिए और गार्डन का भी व्यू देखिए। इस लोकेशन से इसका व्यू देखिए फ्रेंड। यहाँ से जब अकबर सामने सिंहासन पर बैठता था तो कोई भी पिलर सामने नहीं आता था। देखिए आप इसका लोकेशन, सारे पिलर एक जैसे सीधे बने हुए हैं। जब औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था तो उस समय महाराष्ट्र से छत्रपति शिवाजी जी आए थे औरंगजेब से मिलने के लिए। तो वो घोड़े से चढ़ कर के यहाँ तक आ गए थे। तो उन्होंने कहा ये कौन बेवकूफ चला रहा है जो घोड़े से चढ़ कर के चला रहा है, ना हमको कुछ झुक कर के सलाम किया ना कुछ। क्योंकि छत्रपति शिवाजी भी महाराष्ट्र के राजा थे और आगरा के राजा औरंगजेब थे। तो ये इस बदसलूकी के लिए उन्होंने, औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को कैद कर लिया और उनको इसी फोर्ट के अंदर मोती मस्जिद के अंदर उनका जेल बना हुआ है और उन्हें कैद रखा। अपनी चतुराई से, औरंगजेब की कैद खाने से छत्रपति शिवाजी निकल गए। औरंगजेब ने उनसे पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा मेरी अंतिम इच्छा जनता में फल बंटवाने की इच्छा हो रही है। तो उन्होंने जनता में फल बंटवाने के लिए बड़े बड़े टोकरों में फल मंगाए। उन्हीं टोकरों में छुप करके, फलों के टोकरों में छुप करके औरंगजेब से, इंडियन आर्मी के गेट से होकर के वो अपनी चतुराई से निकल गए थे फ्रेंड। ये ड्रिंकिंग वाटर मशीन लगी है इसके अंदर, यहाँ ड्रिंकिंग लोग कर रहे हैं। हमारे द्वारा दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड। ओके बाय, थैंक्स फ्रेंड।